निर्भर है, वर्तमान की हमारी अर्थव्यवस्था जो विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारी जो इनकम है अभी इनकम हमारी कितनी है $1,046 से भी नीचे। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। अब आते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, पहले तक तो यहाँ क्लियर हुआ, अब दूसरा रिपोर्ट के आधार पे बोलेंगे। तो विकसित अर्थव्यवस्था एक आता है कि जहाँ की जो जनसंख्या है, जहाँ की जनसंख्या है वहां की जनसंख्या 50% या 50% से ज्यादा, यदि वहां की जनसंख्या उद्योग पर डिपेंड करता है, किस पर उद्योग पर डिपेंड करता है, वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो तुम भी रिपोर्ट समझा, अब आपके भैया डिपेंड करता है कौन सी रिपोर्ट याद करते, क्योंकि एग्जाम में सारा आने वाला है, आते हैं ना। तो ये रिपोर्ट हुआ पहला WDR की रिपोर्ट, अब हम आते हैं यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, समझ आ गया। तो यूनाइटेड नेशन कहता है कि जहां की आबादी 50% से अधिक उद्योग पर निर्भर करता है, तो उद्योग के अंदर से क्या मतलब होगा, ये ना होगा ये उद्योग कहाँ लगेगा, जहाँ ऊपर ही कहाँ लगेगा, कि जहाँ पर एजुकेशन अच्छा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, घर में रोड अच्छा होगा, वही ना कंपनी लगाएगा, कि हम ही कंपनी लगाएंगे। आगे अगर ट्यूशन और गाँव में खोलने में बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्यूशन खोलने में 10,000 सही बोले, 10,000 का 10,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, सही बोले ना।